हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल महात्मा विजय सरणी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एकदम नए तरह के बोर्ड के बारे में। दोस्तों जो हो सके तो अभी तक ये यूट्यूब पर ऐसा वीडियो डला भी ना हो, हम ऐसे बोर्ड के वायरिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एकदम न्यू बोर्ड है दोस्तों, ये साल डेढ़ साल से अभी रनिंग में आया है। ठीक है, तो आइए चलिए चलते हैं और इसका देखते हैं दोस्तों, इसका कनेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका अच्छे तरीके से कनेक्शन। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, एक रेड वायर ले लेना है फेस के लिए। ठीक है, रेड वायर ले लेना है और ये जो स्विच का ऊपर वाला जो ये सिरा है, ये दोनों का दो स्विच है इसमें, इन दोनों सिरों को आपको क्या करना है, खोल करके और अच्छे तरीके से देखिए इस दोनों सिरों वाले इसको तार से इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, पहले देखिए इसको, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इंडिकेटर भी है इसमें दोस्तों, तो इंडिकेटर वाला जो पॉइंट है इसको हम यहीं पे पहले कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसी में देखिए, इसी में कनेक्ट कर दे रहे हैं पहले पॉइंट को जो फेस जाएगा जिसमें। देखिए दोस्तों, बस यही है इसमें फेस का वायरिंग, दोनों स्विच में ये हो गया, दोनों स्विच में और ये इंडिकेटर का एक ठोस इसमें ले करके दे दिए और ये निकल गया फेस का वायरिंग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए फेस हो गया। अब चलिए चलते हैं न्यूट्रल, इसका वायरिंग देख लेते हैं। तो न्यूट्रल के लिए देखिए दोस्तों, एक ठो काला तार लेंगे हम लोग, न्यूट्रल के लिए काला तार का यूज करेंगे और इसमें देखिए तीन ठे हम लोग तार का ज्वाइंट करेंगे। किस लिए करेंगे आइए बता रहे हैं अभी आपको, पहले इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए तीन तार का इसमें ज्वाइंट कर लेंगे पहले से ही, ताकि फिर हम लोग को बार बार खोल करके ज्वाइंट ना करना पड़े। ठीक है, ये तीन ठे तार ज्वाइंट कर लेंगे और जो ये इंडिकेटर का एक ठो दोस्तों जो बचा हुआ है ना ये वाला, इसको भी यहीं कनेक्ट कर देंगे, न्यूट्रल यहीं से इसको मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि ये इंडिकेटर वाले को पहले कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए हो गया, अब ये न्यूट्रल वाले को इसमें डाल देते हैं पूरा अच्छे तरीके से, इसको भी कनेक्ट कर लेगा। देखिए दोस्तों हो गया, ये बाहर निकल गया न्यूट्रल। ठीक है, और यहीं से इस होल्डर को हम लोग न्यूट्रल दे देंगे। तीन हम लोग तार कनेक्ट किए हैं तो एक तो यहाँ पे इसको न्यूट्रल दे देंगे होल्डर को डायरेक्ट यहीं से। ठीक है, देखिए यहीं से हम लोग इसको न्यूट्रल दे दे रहे हैं। हो गया दोस्तों, और ये एक जो तार बच गया है इसको इस 5 पिन का ये जो दूसरा वाला सिरा है न्यूट्रल के लिए, इस पर ले आकर इसको कनेक्ट कर देंगे। देखिए तो देखिए दोस्तों, अब न्यूट्रल का भी पूरा वायरिंग कंप्लीट हो गया। देखिए न्यूट्रल बाहर आ गया और यहाँ से आया और एक होल्डर में चला गया और यहीं से इंडिकेटर में भी चला गया दोस्तों, और यहीं से लिया करके 5 पिन के सिरे पर भी दे दिए। ठीक है, अब आइए चलिए देख लेते हैं कि कोई जिस 5 पिन को इसी से हमको करना है और इस 2 पिन को भी इसी से करना है। क्या करेंगे कि दो तार ले लेंगे ऐसे, तो देखिए कनेक्ट कर लिया ऐसे। अब इस स्विच का जो दूसरा वाला पॉइंट है इसमें हम इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, देखिए हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो 5 पिन का ये वाला सिरा बचा हुआ है दूसरा वाला, इसमें इसको कनेक्ट कर देंगे। देखिए हो गया ये। अब ये वाला जो एक बचा हुआ है तो इस 2 पिन को भी इसी से करना है, इसी से उससे इस 2 पिन को यहीं से दे देंगे। पिन को भी यहीं से दे दिया। देखिए इस स्विच से इस 5 पिन को भी हो गया, इस 2 पिन को भी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बच गया होल्डर, तो होल्डर को इस स्विच से हम लोग को देना है। तो दोस्तों बस ये रह गया है होल्डर का, तो ये पहले होल्डर में इसको कनेक्ट कर ले रहे हैं। ओके, अब इस स्विच से हम लोग को देना है तो इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट में इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए ये हो गया फेस, यहाँ से फेस आया, फेस स्विच के दोनों ऊपर वाले सिरे पर लग गया और यहीं से ये इंडिकेटर के लिए चला गया। ठीक है दोस्तों,
और ये हो गया न्यूट्रल दोस्तों। तो देखिए न्यूट्रल यहाँ से आया और एक होल्डर में चला गया, और यहाँ टू पिन में भी यहीं से चला गया और इंडिकेटर में भी चला गया दोस्तों, और यहीं से लिया करके फाइव पिन में भी आ गया। ठीक है, तो न्यूट्रल का भी क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए इस स्विच से हम लोग को इस होल्डर को देना है, तो यहाँ से फेस के लिए तो दूसरे सिरे से यहाँ पर हम लोग होल्डर को दे दिए। ठीक है, और ये देखिए ये यहाँ से दोस्तों इस स्विच से हमको इस फाइव पिन को भी देना है, इस टू पिन को भी देना है। तो यहीं से देखिए यहीं से इस टू पिन को भी दे दिया, इस फाइव पिन को भी दे दिया दोस्तों। ठीक है, और इंडिकेटर के लिए देखिए दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से फेस चला गया, यहाँ से डायरेक्ट न्यूट्रल चला गया, तो इंडिकेटर अपना ब्लिंक करता रहेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हो गया वायरिंग इसका। जो प्रैक्टिकल देख लेते हैं दोस्तों, इसमें लाइट दे करके देखिए इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका वायरिंग पूरा कम्प्लीट है।